है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बिछाई बिसात में बीजेपी घिरी या फिर बीजेपी अपना पुराना इतिहास दोहराएगी, कौन सी पार्टी की मेहनत रंग लाई और ये 23 मई को आने वाले नतीजों से पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आए तमाम एग्जिट पोल ने सियासी दलों की धड़कने जरूर बढ़ा दी है और आखिरी और सातवें चरण के मतदान के बाद अलग अलग एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली थी और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ पर सियासी पंडितों की निगाहें टिकी हुई थी। एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस के आने का अनुमान है। तो वही रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है और दोनों ही पार्टियों को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तो बीजेपी को 9 तो कांग्रेस को महज 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं स्वराज एक्सप्रेस के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, कांग्रेस को 5 से 6 और बीजेपी को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे कर रही है। इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे सत्ता के संग्राम में। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने एग्जिट पोल को सही माना है। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में नतीजे अब तक हुए लोकसभा चुनावों की तरह ही आएंगे, बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सब बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं, एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब इस प्रकार का ट्रेंड है तो ये और भी बढ़ा जाएगा और जो रिजल्ट है वो बहुत आश्चर्यजनक हो सकते हैं कि बीजेपी 2/3 मेजॉरिटी से भी और ज्यादा बहुत ऊपर पहुंचे और छत्तीसगढ़ में भी 6 से 8 सीटें दिखाई जा रही है। हमें लगता है अब ये जो ट्रेंड है ये पूरी की पूरी 11 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को दे सकता है। तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि 300 सीटों के साथ यूपीए सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि एग्जिट पोल को पिछली विधानसभा चुनाव के वक्त झुठला दिया गया, मैं नहीं समझता कि रिजल्ट इस प्रकार से होगा और मेरा अभी मानना है कि यूपीए की सरकार बनेगी और एनडीए 200 के अंदर सिमट जाएगी। देखिए एग्जिट पोल को तो पिछले विधानसभा चुनाव समय झुठला दिए, सब लोग कह रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और बनी ऐसे कि 3/4 बहुमत से। तो एग्जिट पोल ठीक है, अपने अपने जितने और सैंपल लेते हैं उस आधार पे वो अपना समीक्षा करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि रिजल्ट इस प्रकार से होगा और मेरा अभी मानना है कि यूपीए के सरकार बनेगी और वो उनकी संख्या लगभग 300 होगी, एनडीए 200 के अंदर सिमट जाएगी। एग्जिट पोल आने के बाद अपने अपने दावों के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है, तारुफ आपका करवा देते हैं। श्री चंद्र सुंदरानी है भाजपा नेता। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। रमेश वालानी है कांग्रेस नेता है। रमेश जी बहुत स्वागत है। राजकुमार भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। सबसे पहले तो सुंदरानी जी आपके पास आऊंगी, खुश तो बहुत होंगे कल से अभी भी आप? नहीं बिल्कुल खुश है गौरी जी, आप लोगों ने जितना एग्जिट पोल दिखाया है और हम वास्तविकता के आधार पे आपने दिखाया और निश्चित रूप से हम इसके करीब हैं और हो सकता हम पुरानी स्थिति छत्तीसगढ़ में कायम कर सके जो पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव में हमने देखा है।
और लगातार जनता का मूड भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया। पिछले चार महीने में जो भूपेश सरकार ने बदलापुर की राजनीति छत्तीसगढ़ में की, क्योंकि छत्तीसगढ़ का नेचर नहीं है बदला लेने का, पूर्ववत सरकारों के बारे में भी यही कहा गया था, लेकिन भूपेश जी ने 6-7 SIT गठित करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, हर जगह पे अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जुर्म दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जनता इसको स्वीकार नहीं करती। जनता में चार महीने में ही इस सरकार का ग्लैमर खत्म हुआ, मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, ये दोनों चीजें छत्तीसगढ़ में हमारे काम आई है। बिल्कुल रमेश वालियानी जी, क्योंकि यहाँ पे चार महीने के भीतर ही भूपेश सरकार का ग्लैमर खत्म हो गया है, और जो मोदी जी का जादू सर चढ़ के जो बोल रहा था वो बरकरार है। की इन चार महीने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ग्लैमर उनके कामों के चलते बढ़ा है। ये छत्तीसगढ़ की पहली सरकार है जिसने जो जन घोषणा पत्र में वायदे किए थे और एक समयबद्ध सीमा तय की थी, उस समयबद्ध सीमा में उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, उस समय सीमा में उन्होंने किसानों से 25 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदा, उस समय सीमा में बिजली बिल हाफ करने का काम किया, और जिस बदलापुर राजनीति की बात हमारे साथी सुंदरानी जी कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि 15 साल में इन्होंने जो अकूत भ्रष्टाचार किया है, सार्वजनिक धन का आपराधिक दुरुपयोग किया है, उससे हम आंख मूंद लें। हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो बदलापुर की बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के दामाद ने एक फर्जी CA रिपोर्ट के आधार पर 60 करोड़ रुपए का बैंक से लोन दिया, आज बैंक का मैनेजर भी मुसीबत में जिसे लोन दिया था। वाल्यानी जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल्स पे, जिस तरह से जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं, लेकिन अगर हम 2014 की बात करते हैं तो उससे स्थिति आपकी भी सही दिख रही है, 5 से 6 सीटें आप लोगों को मिल रही हैं, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, जो स्वराज का महा एग्जिट पोल है, और अदर एग्जिट पोल में जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बताई जा रही है, तो इन एग्जिट पोल पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इन एग्जिट पोल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक लोकसभा में 16-17 लाख वोट होते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज के आधार पर आप मतदाता के मन की थाली ले सकते हैं, और मुझे जो जानकारी मिली है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से नेशनल मीडिया को दबा रखकर काम किया है, नेशनल मीडिया पे एक तरह के सब जगह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो अपने आप इस बात को प्रकट करते हैं कि सारे एग्जिट पोल सरकारी केंद्र सरकार के दबाव में दिखाए जा रहे हैं। अब 23 तारीख को आप देख लीजिएगा, 23 तारीख के जो नतीजे आएंगे जनता के, हाँ। और एग्जिट पोल में कितना अंतर है आप देख लीजिएगा। ठीक है, और 2004 की ओर ले जाना चाहूंगा, 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बना रहे थे, हाँ। लेकिन नतीजे उलट आए थे। 2018 के जो विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल आए थे उससे भी नतीजे अलग आए हैं। ठीक है, इसलिए इन एग्जिट पोल को हम पूरी तरह खारिज करते हैं। ठीक है राजकुमार जी, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को भली भांति जानते हैं, लंबे वक्त से वहां पे पत्रकारिता भी कर रहे हैं, और कई एग्जिट पोल्स अब तक आप अपनी पत्रकारिता में देख चुके हैं, क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से ये जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, जो एग्जिट पोल कल आए हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं देखिए, ये सैंपल कह रहे हैं कि साइंटिफिक नहीं, बहुत हद तक साइंटिफिक रहते, एक सैंपल सर्वे रहता, इसमें आंकड़े पे नहीं जाते, हम लोग एक आइडिया लेते कि भाई जनता का मिजाज किस तरफ है, और एकदम से नकार देना एग्जिट पोल को भी गलत है। आप उसकी अंदाजा लगाए कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, दिशा लोगों की सोच की कहाँ है, उस लिहाज से हम लोग एक आइडिया मिल जाता है, और ये आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। जी बिल्कुल, और अगर जिस तरह से अगर हम बात करें 2004 के एग्जिट पोल की बात करें, फिर 2009 के एग्जिट पोल की भी बात करें, तो क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, जिस तरह से ओपिनियन आया था, उससे इतर जो रिजल्ट आया था जब डिक्लेयर हुआ था, तो वो रिजल्ट एकदम डिफरेंट था, तो और विधानसभा चुनाव की भी
मेजर अगर मैंडेट था तो कांग्रेस सरकार बनाती है, उसमें उसमें होता क्या, देखिए जैसे दिल्ली का भी कह छत्तीसगढ़ की बात, होता ये है कि जब एक अंदर जो अंडर करंट होता है जिसको अपन पकड़ नहीं पाते अंदर की गहराई तक, ऊपर की लहर को पकड़ लेते लेकिन अंदर नहीं जाते, उसमें दिक्कत आती। लेकिन पता चला एक अंडर करंट बह रहा है जिसको कई बार जो विश्लेषक रहते उसको पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से कई बार गड़बड़ी होती। लेकिन एक अंदाजा लग जाता है, 2000 अपन बात करें अभी विधानसभा चुनाव की, तो उसमें भी देखा समझ आ गया था कि हवा जो है कांग्रेस के पक्ष में बह रही, ये हमको समझ आ गया, लेकिन इस तरह से लहर बह रही होगी ये आइडिया नहीं था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वही अंडर करंट क्या इस बार जिस तरह से जो पोल्स आए, क्या वो अंडर करंट पकड़ लिया गया है? जो पोल्स आए हैं, एग्जिट पोल्स आए हैं, वही रहने वाला है? नहीं, इस बार अंडर करंट है अपन पकड़ नहीं पाए, मेरे को भी लग रहा है ऐसा, इसमें कह नहीं सकते। लेकिन ये जो चीज है कि ये 4-5 और ये दोनों की टक्कर तो है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सुंदरानी जी, टक्कर है। राजकुमार जी भी कह रहे हैं भाई टक्कर है, मतलब बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 23 तारीख को चीजें सिनेरियो जो है जो गौरी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, खुश होने की बिल्कुल आवश्यकता है और खुश होने जैसे ही परिणाम आएंगे। जब 23 तारीख को हम बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम भाजपा के पक्ष में आए वैसे ही आएंगे, और कांग्रेस का जमीन खिसक गया छत्तीसगढ़ में वापस। तो मतलब मान लिया जाए, लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। तो सुंदरानी जी मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने लड्डू और पटाखों का ऑर्डर दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू फटाके हम लोग बिल्कुल फटाके 2018 में भी लेके, 2018 में भी गौरी जी ऑर्डर देके रखा था जी। तो वो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डर दिया था उसको, तो फिर आप लोगों ने हाईजैक कर लिया फिर? गौरी जी देखिए, जमीनी धरातल की बात मैं करूं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को फिर से सत्ता में वापसी चाहेगी, क्योंकि 2014 में जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे और जो उन्होंने वायदे किए जनता से, अभी चुनाव साल है, इन साल में सब खत्म हो गया, चुनाव हो, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं दिखता है कि जनता ने उनके पक्ष में वोट दिया होगा। बिल्कुल गौरी जी, अब चुनाव हो गया है, ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा गया है, चुनाव तक ठीक था, अब तो परिणाम पे बात होगी। नहीं, परिणाम पे बात होगी, लेकिन जनता का मूड क्या है वो तो इससे मालूम पड़ जाता है। जनता का मूड तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री, और यू तो कांग्रेस की पिछली बार 44 सीट थी, वो तो आपका नजरिया है, उसमें कितनी 2-5 बढ़ती है कि 2-5 घटती है, यही स्थिति है आज कांग्रेस की। 50 से 15 पे आ गया, उसके बाद भी आप लोगों को भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। बिल्कुल वाकई में राजकुमार जी जिस तरह से बढ़ चढ़ के बोल रहा है, जमीनी हकीकत को मानना चाहिए जी। राजकुमार जी जिस तरह से जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें हालांकि एनडीए पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और जो पिछला परफॉर्मेंस था उससे भी बेटर स्थिति में है कई, और अगर हम एबीपी के अगर एग्जिट पोल की बात करते हैं तो बहुमत से थोड़ी दूर यहाँ पे एनडीए भी नजर आ रही है। क्या वाकई में 23 मई को सिनेरियो बदल सकता है? नहीं, सिनेरियो तो मुझे नहीं लगता कि बदलेगा। जहाँ तक एबीपी की बात है तो उनके भी नियर अबाउट मेजोरिटी ही रखा है उन्होंने भी एनडीए को, और मेजोरिटी तक जाने के लिए एनडीए को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो बैठे हुए, एक तो आपके उड़ीसा में बैठे हुए नवीन बाबू जी और उनके दक्षिण में तेलंगाना वाले बैठे हुए हैं, तो उसमें मेजोरिटी गेन करने में एनडीए को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राजकुमार जी जिस तरह से ये जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ के अलावा अगर हम पूरे ओवरऑल देश के सिनेरियो की बात करते हैं, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में कई न्यूज चैनल ने ये भी अपना एग्जिट पोल में दिया है कि 2.5 से 3% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को गया है। आम आदमी पार्टी को कैसे वहां पे वोट शेयर गया है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स भी अब उठ रहे हैं। कई बार होता है क्या है कि आदमी के जहन में जो बात रहती है वो बोलते, जैसे बहुत सारी चर्चा होती है तो कई हमारा ऐसा हुआ कि उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उनके दिमाग में आपकी बात है,
तो हो सकता है केजरीवाल वैसे भी अभी भी सुर्खियों में छाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से कई बार बात होती है तो आपकी भी बात हो जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं इस तरह से मतदाता से तो इंटरेक्शन होता है ना, कि जो पार्टी कई बार कहते हैं कि प्रत्याशी को नहीं जानते, पार्टी को जानते हैं, कई बार पार्टी को जानते हैं प्रत्याशी को नहीं, ऐसी स्थिति बनती है। तो उस स्थिति में हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हुआ हो, ऐसा हो सकता है, संभव है। ठीक है सुंदरानी जी, जिस तरह से जो सवाल मैं राजकुमार जी से कर रही थी वही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि उत्तराखंड जैसे स्टेट में कैंडिडेट ही नहीं उतारा गया लेकिन आम आदमी पार्टी के जरिए, लेकिन फिर भी वहां पे 2.5-3% वोट शेयर बता दिया गया है, तो क्या बाकी में इन एग्जिट पोल पे आप भी यकीन कर रहे हैं कि यही सिनेरियो रहेगा, सिनेरियो नहीं बदलने वाला? मैं तो गौरी जी आपसे पूछूंगा क्योंकि आप लोग दिखाते हैं। हम तो आपको दे रहे हैं सर, हम तो आपको 4-5 सीट दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में और आपको नुकसान हो रहा है, हम तो बता भी रहे हैं सर। अच्छा और पूरे देश में क्या हो रहा है गौरी जी? आप तो छत्तीसगढ़, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सर, सवाल तो मैं करूंगी, जवाब तो आपको देना है। नहीं नहीं आप एग्जिट पोल पे प्रश्न उठा नहीं, मैं एग्जिट पोल पे नहीं बात करें, आप नहीं नहीं सर वाले लोग ही अगर एग्जिट पोल नहीं सर, मैं ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल जो सिनेरियो बनने वाला है, जो बनेगा, हम ओवरऑल सिनेरियो पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा, मैंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल इसलिए दिया है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके नजर में एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? सर हम तो कह रहे जी, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग पुनः सरकार में आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप लोग पुनः सरकार में आ रहे हैं, लेकिन हम आ रहे हैं ना, हाँ हम तो कह रहे हैं, हम खिलाएंगे ना, ठीक है, लेकिन सवाल मेरा वही उत्तराखंड के सिनेरियो का मैंने इसलिए दिया। दिन खुश होने में क्या दिक्कत है? देखिए संभव है जो आप बात कर रही है, मैं 100% सहमत हूँ। काम करने वाले जो लोग हैं कई बार चूक कर जाते हैं, सर्वे में भी कई बार चूक हो जाती, कई बार एग्जिट पोल भी जो हम सोचते हैं वैसे नहीं होते, कई बार हमने जितना सोचा होता है उससे बहुत अधिक आते हैं अच्छे। यूपी के चुनाव की बात है, कोई भी हमें 200 सीट नहीं दे रहा था, लेकिन जब परिणाम आए तो हम 300 सीट को पार कर गए। कोई पिछली बार 2014 में कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 272+ आएगी, लेकिन 272+ मोदी जी कहते थे और 272+ आई। हो सकता इस बार हम पिछली स्थिति से बेहतर कर जाए, 300 सीट आ जाए बीजेपी की, ये भी संभावना है। आज तक जैसा चैनल कह रहा है कि 350 एनडीए आएगा, तो निश्चित रूप से उसका कुछ आधार होगा गौरी जी, हवा हवाई बातें नहीं होती। वही एबीपी भी कह रहा है कि बहुमत से दूर रह जाएगा एनडीए, 267 कह रहा है एबीपी और आज तक 350 के आसपास कह रहा है, कई चैनल 287, 290, 285 तक दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 267 के आंकड़े को भी मान लें, मिनिमम 267 बताया गया है, तो कोई तो यूपीए की स्थिति क्या है? यूपीए तो कांग्रेस तो 70-80 के बीच में बताया जा रहा है ना, यूपीए 112, 118, 120, 130-135 तक बताया जा रहा है अलग अलग चैनल में। अगर उन सारी स्थिति को भी हम सत्य मान लें, अधिकतम सीटें भी दे दें, तो सरकार कहाँ बनाने की स्थिति की? इसका जवाब हम बाल्यानी जी से ही ले लेते हैं। बाल्यानी जी देखिए, गौरी जी मैं आपको बता दूं कि अब जमीनी धरातल पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका, ये जो मीडिया हाउस के सर्वे जो आए एग्जिट पोल के, उससे कोई मैच नहीं हो पा रहा है। हमारे जो अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है उससे ये तय दिख रहा है कि मोदी जी को सत्ता से वापसी हो रही है, मान गए ना आप? सबसे बड़ा कारण ये मैंने बताया कि मोदी जी ने 5 साल में क्या किया, मान गए गौरी जी 5 साल में क्या किया जो उनको जनता वापस देगी जनादेश? लेकिन बाल्यानी जी अभी तो आप, बाल्यानी जी अभी अभी भी अभी आपने कहा है कि सत्ता में मोदी जी की वापसी हो रही है, अभी आपने भी कहा ना, माना इस बात को आपने भी? नहीं सत्ता नहीं, सत्ता से बाहरी वापसी हो रही है, मैं बोला सत्ता से बाहर जा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, जो जो मोदी जी सत्ता से बाहर जाएंगे ये तय है। जो इनपुट्स आपको मिल रहे हैं वो इनपुट्स क्या कह रहे हैं? मतलब एक सर्वे आप लोगों ने भी करवाया होगा, वो इंटरनल सर्वे क्या कहता है, कितनी सीटें आपको मिल रही हैं, और जो आपका इंटरनल सर्वे है वो क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आप लेके जा रहे हैं? फिर देखिए छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा, 23 तारीख को आपके सामने रहेंगे हम लोग,
जो विधानसभा के नतीजे आएंगे वही रिपीट होंगे और 11 के 11 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि कोई कारण नहीं है, यहां तो हमने काम कर दिया, जो कहा सो करके दिखाया। तो जनता तो उसी को वोट देगी जो कह बोलता है और करता है, हमारी बोली और करने सफाया होगा, सफाया छत्तीसगढ़ में। वो तो 23 तारीख तक वेट कर लीजिए, दो दिन यदि भारतीय जनता पार्टी नेता खुश रहे गौरी जी तो उनको खुश होने दीजिए, 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। तो आप लोगों की कितनी तैयारी फिर 23 तारीख की? देखिए दोनों पार्टी को, हमको दोनों ही पार्टी को 11-11 सीटें तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 22 सीटें तो छत्तीसगढ़ में है नहीं लोकसभा की। मिलेंगी तो किसी एक ही पार्टी को मिलेंगी, या जो आंकड़ा हमारा जो महा स्वराज का महा एग्जिट पोल है, 5-6 सीटें कांग्रेस को और 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, मिलना तो इतना ही है सर? नहीं, मिलना इतना ही है, आपका वो आकलन है, हमारा आकलन जो है कांग्रेस पार्टी का वो 11-11 है जी। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको, जो दावा यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है 11 की 11 सीटें जीतने का, आपका अनुमान क्या कहता है और आप भी वहाँ पे हैं तो क्या लग रहा है, कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, या पिछली बार का जो रिजल्ट है वही रिपीट होगा या कुछ नया सिनेरियो देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में? ना, पिछली बार का रिजल्ट तो खैर रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस एक तरफा है या भाजपा एक तरफा है, दोनों के बीच एक संघर्ष की स्थिति है। और ये है कि जो 10% या 5% जो फ्लक्चुएटिंग वोटर रहता है वो किस तरफ जाता है ये बड़ा दिक्कत रहता है उसको समझने में, वो उसी हिसाब से क्या समझ लीजिए कि बीच की 50-50 वाली फाइट है फिलहाल। भट्ट जी, मैं आपको एक ध्यान में लाना चाहूंगा एक चीज को कि 2008 और 2013 में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का वोट शेयर का अंतर 0.5% था, लेकिन 2018 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोट शेयर का अंतर 10% से ऊपर है। ये भी एक बुनियादी कारण है जो हम अपने दावा कर रहे हैं, नेट टू नेट फाइट है। लेकिन उसमें आकलन जब आप असल पे जाते ना तो उसमें सीटों का दिक्कत जाता है, सीटों को आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वही हमेशा से दिक्कत रही कि जब आप वोटिंग परसेंटेज की सीटों में कन्वर्ट करते तब दिक्कत जाती है। और यहाँ पर जो दिख रही है वो ये है कि 50-50 फाइट है, ये हो सकता है कि एक सीट इधर जाए एक सीट इधर जाए, ऐसा करके हो सकता है, बस ये लेकिन फाइट तो है। लेकिन राजकुमार जी, यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ उसने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और स्वराज का जो महा एग्जिट पोल कहता है कि 5-6 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो फायदे में है, लेकिन नुकसान यहाँ पे बीजेपी को है। इस नुकसान की भरपाई अन्य राज्यों से हो रही है, लेकिन अन्य राज्यों जी, मेरी मेरी एक बात पे आपत्ति है। जी जी जी, 3-4 महीना पहले लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीटें जीतती है, 75 सीटें ऐसी है जहां पे वो अपना आधार समाप्त हो चुका है या हार चुके हम। उस हिसाब से हमें एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम आपके अगर हम स्वराज के ही सर्वे की बात करें, 5-6 की बात, तो आज हम उसको गेन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम 2014 का इतिहास को दोहराएंगे छत्तीसगढ़ में। राजकुमार जी, आपका कमेंट होते और लेने, ये होता ही है कि सुंदरानी जी की जब चीजें बराबर आती, जब मान लीजिए देखिए ये यहाँ पर लोकसभा का था और वो विधानसभा का था, इस लिहाज से अंतर होता है। ठीक है, विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर यह बराबर फाइट है ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि आकलन है कि जो कि लोगों से हम लोग परसेप्शन देखते हैं उसके हिसाब से आ रहा है कि बात 50-50 के करीब करीब है, ऐसा है जी। इशू अलग थे जी जी, बिल्कुल। वाल्यानी जी, देखिए मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ का अंतर जो है 10% का जो वोट शेयर का डिफरेंस है उसको भारतीय जनता पार्टी कवर नहीं कर पाएगी, इसलिए 11-11 सीटें हमको मिलेंगी जी, बिल्कुल। और इतने जल्दी मतदाता का मूड बदलता नहीं है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बदल गया है, अंतर इतने जल्दी पब्लिक का मूड बदलता नहीं है।
बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतने जल्दी पब्लिक का मूड बदलता नहीं है, लेकिन जो तमाम वादे वालियानी जी किए गए थे, अभी अगर हम हाल ही की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दो किसानों को जेल भी हो गई थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पैनल को भी भेजा था कि भाई एक्चुअल कंडीशन क्या है, लेकिन वहां पे सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी नुमाइंदे को नहीं भेजा, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। हो सकता है जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। गौरी जी देखिए, 2009 की घटना है, 2009 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2009 में इनके अधिकारियों ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के नाम पर इनके अधिकारियों ने और वहां के एजेंट ने लूट मचाई, 2009 की घटना है और अभी आपके सामने आई है। तत्काल हमारे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, वहां के एसडीएम को आदेश दिया, उनकी जमानत करवाई और उनको रिहा करवाया और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। ठीक है, चलिए, सही जानकारी नहीं आने से ये गलतफहमी हुई है। ठीक है, वाल्यानी की कार्रवाई हुई हमारे यहाँ, वाल्यानी जी आपसे भी मेरा वही सवाल, बिजली कटौती होती है तो भारत, ठीक, वाल्यानी जी आपसे भी मेरा वही सवाल, आपने भी अगर इनका सर्वर फेल हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक, वाल्यानी जी क्या ऑर्डर कर दिया आपने भी मिठाई और पटाखों के लिए? कर दिया ऑर्डर आपने भी, कर दिया मिठाई पटाखों के लिए? तो हमेशा वो तो हम तो 23 तारीख को ताजा ऑर्डर करके लाएंगे ना। इनके आत्मविश्वास हिला हुआ है, हमें आत्मविश्वास नहीं है, हमने कर दिया है। हम बासी मिठाई नहीं खाएंगे, ताजी मिठाई खाएंगे। ऑर्डर कर दिया है हमने, खरीदेंगे। हमारे राजीव भवन के सामने ही सबसे बड़ा, देखिए आत्मविश्वास हिला हुआ है, अभी नहीं, कोई हिला हुआ नहीं है। ये 23 तारीख को ऑर्डर करेंगे, बन रही है एनडीए 200 के अंदर सिमट के रह जाएगी। ये 23 तारीख को हम आपके पास बहस में फिर से आएंगे। बिल्कुल, हम भी इंतजार करेंगे। हालांकि काश ऐसा होता कि 11-11 सीटें जीतने का दावा दोनों ही दल कर रहे हैं, तो 22 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में होती तो शायद जो चुनाव के समीकरण है वो कुछ और ही होते। आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी राजकुमार जी। देखिए, कुछ वादे लेकर विधानसभा में कांग्रेस गई थी, जनता को लगता है कि उन वादों को पूरा नहीं किया गया है, जो वादे थे कुछ छूटे हैं और जो भाजपा की तरफ से जो खामी रह गई थी, जो राज्य सरकार की वस्तुतः खामी थी, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो दोनों चीजें जाके अब अल्टीमेटली हो रहा है कि यहाँ पर चुनाव हो रहा है लोकसभा का, और लोगों का जो मोदी पर विश्वास है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर उस तरह से नहीं टूटा है जिस तरह से उम्मीद कांग्रेस कर रही थी। इस लिहाज से कुल मिला कह सकते हैं कि आप दोनों का मिला के फाइट नियर अबाउट 50-50 है, कुछ हद तक भाजपा के पक्ष में, चूंकि मोदी का एक लहर, मोदी की एक बात है। जी बिल्कुल, और वो अंडर करंट क्या चल रहा है वो भी हमें 23 तारीख को पता चल जाएगा। सुंदरानी जी, आपकी हंसी बता रही है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि भाई आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, और वाल्यानी जी की मुस्कुराहट बता रही है कि तनिक थोड़ी सी चिंता है, हालांकि 23 तारीख के लिए वो भी आश्वस्त हैं कि नतीजे इससे उलट होंगे। कोई चिंता नहीं, हम चाहेंगे कि आपकी भी हंसी मुस्कुराहट अब पूरी तरह से पूर्ण रूप से आश्वस्त करें कि जो दावे आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं वो भी सच साबित हो। इंतजार सिर्फ 23 तारीख का है, 23 तारीख को देखते हैं कि किसकी हंसी बरकरार रहती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, वाल्यानी जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी, और सुंदरानी जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बिछाई बिसात में बीजेपी घिरी या फिर बीजेपी अपना पुराना इतिहास दोहराएगी, कौन सी पार्टी की मेहनत रंग लाई है, ये 23 मई को आने वाले नतीजों से पता चल जाएगा। और 23 मई को सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे देखने के लिए आप बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद की घड़ी की तुंग हार दो।